मैं तो इसको तनख्वाह देने ही आया था। एक दो एक दो तीन चार पांच। होंगे जरूर होंगे, मैंने कहा था ना होंगे मांगू। अब क्या होंगे मांगड़ू? वही हम दो हमारे दो। पहले बैल भाई साहब को नहला के आओ, उसके बाद कृपा बरसेगी और कैसे होंगे तुम दो और तुम्हारे दो। अभी नहलाना चाह रहे तो अब आएगा। इसको भगाओ पहले तुम। अरे चलो बहुत गंदी हो गई हो। चलो तुमको आज ऐसा नहीं लगेगा, गोरी हो जाओगी तुम काली से। चलो आओ। अरे चलो ना। अरे भाई डल्लू क्या बात है, बहुत खुश दिखाई दे रहा। नहीं मांगू है। शादी की तारीख पक्की हो गई क्या? अरे भाई कर लू वो भी हो जाएगी। आज हमने मांगू के पिताजी की सबसे बड़ी शर्त पूरी कर दी है। अरे हमें पहली तनख्वाह मिली है समझा? ये देख। अरे तो सुन और पैसे बनाएगा भाई। वो कैसे? देख अगर तुमने ये बता दिया कि मेरे झूले में क्या है तो इसमें रखे अंडों में से दो अंडे तेरे, और अगर ये बता दिया कि कितने अंडे हैं तो छह के छह तेरे, और साथ में शहर जीतने के 100 रुपए भी दूंगा। अरे यार कल्लू बहुत ही कठिन सवाल पूछ लिया। अरे कुछ अता पता तो बता। अता पता है ना, बाहर से सफेद अंदर से पीला। अरे बेटा बहुत ही सरल सवाल पूछ लिए। पहले तू ये बता मूली के अंदर गाजर रखकर नहाया कैसे? अरे यार डल्लू तुझे इतना भी नहीं पता, मेरे झूले में अंडे हैं अंडे, और वो भी पूरे छह मुरख। अरे मुरख वो तो हमें पता है, लेकिन हम डायरेक्ट शुद्ध शाकाहारी, इसलिए अंडे पंडो का नाम नहीं लेते। और अगर हम मुरख होते तो हमें हेड साहब का भेज भाई साहब की सेवा में लेते। चल चल चल। अच्छा तू बता, बहुत ही कठिन सवाल है भाई, सोच समझ कर जवाब देना। अच्छा ये बता कि हमारी जेब में कितने रुपए? अगर तूने सही जवाब दिया तो सारे के सारे 1,500 रुपए तेरे। अब हमें क्या पता तेरी जेब में कितने रुपए हैं? लेकिन मेरी जेब में क्या है मालूम? हाँ भाई भाई बता क्या है तेरी जेब में? मेरी जेब में मांगू भाभी की चिट्ठी है जो मैंने तुझे देने के लिए दी है। ये देख कल्लू कल्लू हमारी चिट्ठी दो, हमारी चिट्ठी दो। इतनी आसानी से थोड़ी दूंगा, हाथ हम छीन लेंगे। अरे नहीं कल्लू कोई बात नहीं, हम इसको जोड़ के पढ़ लेंगे। ये ले। प्यारे कल्लू तुम्हारे बेवकूफ दोस्त कल्लू। फिर बोलता हूँ प्यारे कल्लू तुम्हारे बेवकूफ दोस्त कल्लू के आज चिट्ठी भिजवा रही हूँ। क्या करूँ मजबूरी है, तुम तो भेज भाई साहब की सेवा में ऐसे लग गए हो कि मेरी सुध ही नहीं लेते, इसलिए कल्लू की मदद ले रही हूँ। अरे बाप रे एक शेर भी है। अरे भाई अच्छा है असली का नहीं है। तुम्हारी याद में मैं कपड़े कूट कूट के धोऊंगी और तुम ना आए तो मैं फूट फूट के रोऊंगी। देख तू जल्दी से मांगू भाभी से मिले घर चला जाओ, भाभी रोएगी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे यार कल्लू क्या करे यार, मैं कभी भेज भाई साहब को नहलाने भी जाना है भाई बिल्कुल भी टेम नहीं है। हाँ लेकिन जैसे हमें टेम मिलता है हम मांगू से मिलने जाएंगे। अरे उसे पहले तनख्वाह भी तो देना है। हाँ लेकिन जब तक हम भी एक चिट्ठी लिखेंगे। हाँ हाँ जब हम लिखेंगे हमारी प्यारी मांगू। अरे सुन तू है ना अंग्रेजी में लिखनी मजा आएगा। अंग्रेजी? लेकिन यार भाई अंग्रेजी आती नहीं ठीक से। नहीं अरे भाषा सिखा देंगे, वो फटाफट सिखा देते हो अंग्रेजी, और तुझे तो एबीसीडी भी आती है। अरे हाँ भाई बहुत पहले सीखी थी और अब काम आएगी, मैं आज ही माँ साहब के पास जाता हूँ। ठीक है। हाँ हाँ चलो हट जाओ, निलाम जान दो, आ जाओ चलो। क्या घर घर बात सुनते हो? चलो शादी होगी।